ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए ऑल न्यू जो आपकी होंडा CBR 250R है, जिसका आप लोग येलो कलर का रिव्यू करने के लिए बोल रहे थे, तो फाइनली वो अवेलेबल हो गया था आपके नियरेस्ट शोरूम्स में, तो उसी का रिव्यू लेकर आ रहा हूँ। तो जिन भाइयों ने भी इसके लिए स्पेशली पूछा था उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा, तो आप तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, साथ में ज़रूर से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और किसी बाइक का कार का रिव्यू देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट करिएगा, साथ में आप जो प्लेलिस्ट ऑप्शन है वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बाइक की कार देखनी है तो शायद आपकी फेवरेट बाइक कार का ऑलरेडी आपको रिव्यू वहाँ पर मिल जाए, तो प्लेलिस्ट ऑप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कंपनी का लिंक, वहाँ जाके आप इस बाइक के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वैसे तो साइड्स में शॉर्ट्स में हमेशा की तरह आपको सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो फ्रंट यहाँ पे पहले देखते हैं, तो फ्रंट का आपको अच्छे से पूरा आइडिया लगेगा, तो नो डाउट कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश बाइक लगती है, एक स्पोर्ट्स बाइक है, उसी हिसाब से आपको पूरा फील यहाँ पे दिया गया है। जो इसके हेडलैम्प्स हैं वो आप देख लीजिए, तो पूरे आपको LED पे प्रोवाइड करे गए हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और अच्छी बात है कि होंडा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने में सबसे ज़्यादा आगे रहता है। यहाँ पे जो होंडा की ब्रांडिंग है वो आप देख सकते हैं दी गई स्टिकर फॉर्म में, और जो फ्रंट पूरा जो लुक आता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। आप इसको कितने मार्क्स देते हैं ज़रूर नीचे कमेंट्स में आउट ऑफ 5 पोस्ट कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलते हैं नीचे की तरफ, और जो इसका व्हील एरिया है वो आप देख लीजिए, अलॉय व्हील्स, और आपका जो डिस्क ब्रेक है वो आप देख रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है स्पोर्ट्स बाइक के लिए, वो आपको यहाँ प्रोवाइड करा गया है। और ये सब चीज़ें इन बाइकों में एक्सपेक्टेड रहती भी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि स्पीड्स रहती हैं इन बाइक्स में, और बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक स्पोर्टी फील के लिए भी सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे आप जो इसका अब साइड लुक है वो आप देख रहे हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको मेन स्टैंड है वो आपको नहीं मिलता है, केवल आपको साइड स्टैंड यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। और पास चलते हैं, तो पहले अपना इंजन देख लीजिए आप, तो आपको वही सेम जैसे इनकी बाइक से फिनिश मिलती है ग्लॉसी हल्की सी फिनिश ब्लैक पे, वैसे आपको पूरा इंजन दिया गया है। साइड पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश CBR की एक्सटेंसिव जो पूरी ब्रांडिंग है वो देख रहे हो आप, रेसिंग CBR। चलते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आप इसका जो बैक लुक है वो आप देख लोगे यहाँ पे, या पीछे का लुक देख लोगे। एग्जॉस्ट जैसे कि पूरी बाइक स्टाइलिश है, तो वैसे इसका आप एग्जॉस्ट भी देख सकते हैं। आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो लाइक अनलाइक बटन आप हिट कर सकते हो। यहाँ पे जो इसका सस्पेंशन है आप देख लीजिए, मोनो सस्पेंशन आपको दिया गया है, साथ में जो आपका रियर व्हील है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बैक प्रोफाइल भी देख लेते हैं फटाक से, तो बैक लुक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो इसका अदर साइड है वो भी आप देख लीजिए, तो इसमें मेन स्टैंड नहीं जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा नीचे से दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसका जो अदर साइड है वो यहाँ पे देख रहे हैं, येलो वर्जन है। स्पेशली जिन भाइयों ने पूछा था इसके लिए, उनके लिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो अब जो इसका अपर पार्ट है, साइड वगैरह फ्रंट वगैरह सब आपको दिखा दिया, अब जो अपर पार्ट है वो आप देख लीजिए। तो आपके जो ग्रैब हैंडल हैं आपको बाइफर्केटेड मिलते हैं, होंडा की ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। सीटिंग आप देखते हैं तो ये भी बाइफर्केटेड है, पिलन के लिए आपको हाइटेड सीट मिलती है। स्पोर्टी बाइक है तो स्पोर्टी फीलिंग के लिए पूरा ये जो स्ट्रक्चर है प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पर थोड़ा मैं पीछे से पहले आपको दिखाना चाहूँगा, और जो फ्यूल टैंक है पूरा आपको ये येलो फिनिश पे दिया गया है, येलो पेंट जॉब। केवल आप जो होंडा ब्रांडिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टिकर फॉर्म में दी गई है। जनरली आपने देखा है कि होंडा की बाइक्स में आपको क्रोम पे दी जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टिकर यूज़ करा गया है। अब वो कंपनी का डिसीजन है, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसका बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, तो पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग मिलता है। आपका जो इसका लुक है वो बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरी ऐसी फीलिंग है, आपकी व्यूज़ अवेटेड रहेंगे। हैंडल्स की बात करते हैं, तो आपका जो पास लाइट है हाई बीम लो बीम है, इंडिकेटर है, हॉर्न है, इधर आपका जो इंजन किल स्विच है, और आपका जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक जो मोटिव था आपको इसका कलर दिखाना, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके लिए मैसेज किया था, काफ़ी भाइयों ने इस कलर के लिए मैसेज किया था कि उन्हें ये कलर लेना था, उन्हें ये कलर देखना था। तो यहाँ पे उसके अलावा जितनी भी डिटेल थी वही मैंने सारी यहाँ पे आपको दे दी है इस बाइक के बारे में। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, साइड्स में शॉर्ट्स में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।